हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। मैं पता नहीं कभी यहाँ पे बैठा सर्वाइवल सीरीज के लिए माइनक्राफ्ट में, फिर उधर गया, अब दोबारा इधर आया हूँ खेलने। बोर हो जा रहे तब से। तो गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। गाइस, जो मैंने व्लॉग बनाया था आपने उस पर 20 लाइक नहीं करे, तो गाइस फटाफट से कर दो, क्योंकि आपको मेरा ब्लॉग चाहिए तो उस पर 20 लाइक करने पड़ेंगे। गाइस, अभी हो गया है 4:30 और आज हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो अभी मैं टीवी देख रही हूँ और हर जस्ट गेम खेलने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले पीसी में बैठा हुआ था और अब फ़ोन में गेम खेलने लग गया। गाइस, अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि कल हर जस्ट का ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है स्टोरी टेलिंग, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। तो आप भी देखो साथ साथ। मेरा नाम है हरदस और आज मैं आपको एक जीत। सुप्रभात, मेरा नाम है हरदस सिंह और आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है सच्चाई की जीत। सुप्रभात, मेरा नाम है हरदस सिंह और आज मैं आपको एक कहानी। सुप्रभात, मेरा नाम है हरजस सिंह और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है सच्चाई की जीत। एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था, उसका नाम था गोपाल और उसका एक सच्चा मित्र था, उसका नाम था मोहन। एक बारी मोहन ने गोपाल को अपने घर पे बुलाया। गोपाल मोहन के घर गया और मोहन ने गोपाल को एक गाय भेंट में दी और गोपाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुश होकर वो अपने घर के रास्ते जाते जाते उसको एक चोर मिला और वो चोर कह रहा था बार बार, ये नहीं, ये मेरी गाय है गोपाल, ये मेरी गाय है। तो फिर गोपाल भी उसको कहने लगा कि नहीं, ये मेरी गाय है, मेरी गाय है, मेरी गाय है। दोनों आपस में ऐसे लड़ने लगे और फिर गोपाल ने एकदम से चोर को कहा कि चलो पंचायत चलते हैं, पंचायत में फैसला हो जाएगा। फिर अब चोर ने भी हाँ कर दी और वो दोनों पंचायत गए और फिर पंचायत में भी वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगे कि मेरी गाय हैं, ये मेरी गाय हैं। फिर गोपाल ने बोला, तुम बताओ ये जो गाय हैं इसकी कौन सी आँख खराब है। फिर चोर ने बोला दाएँ वाली। फिर नहीं, चोर ने बोला नहीं बाएँ वाली। फिर गोपाल ने बोला बाएं वाली। फिर चोर ने बोला हाँ। फिर गोपाल ने एकदम से बोला कि उसकी कोई सी भी आँख खराब नहीं है, दोनों आँख उसकी सही हैं। तो फिर पंचायत बोलने लगी कि चोर झूठ बोल रहा है, ऐसे बोलने लगी। और फिर पंचायत ने बोला अब हम इस चोर को बहुत ज़्यादा मारेंगे, सजा देंगे बहुत। और फिर गोपाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया फिर से। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। गाइस, फाइनली हरदस को पूरी स्टोरी अच्छे से याद हो गई है और बहुत बार प्रैक्टिस करी मैंने आपको दिखाया अभी कि इससे भी, मतलब हमने इतनी बार प्रैक्टिस करी कि पूरा 1 घंटा लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और उसके बाद फाइनली उसे स्टोरी याद हो गई है और अब वो अच्छे से सुना रहा है जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो चलो अब हम अपने आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी, तो आप पीछे वहाँ देख सकते हैं कि ट्रैक्टर काम कर रहा है वहाँ पर। तो उसने पीछे वाली साइड ना पूरा डीजे, मतलब पूरा स्पीकर लगा रखा है और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना, मेरे को डीजे की आवाज़ आई और मैं फटाफट छत पाई, मेरे को लगा पता नहीं कहीं शादी हो रही है। और देखा पीछे तो ट्रैक्टर वालों ने पीछे स्पीकर लगा रखा और भाई इतनी तेज़ गानों की आवाज़ आ रही है और वहाँ काम कर रहे हैं साथ साथ गानों के साथ साथ। प्लीज़, अभी हम कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो अभी 6:30 हो गए हैं, तो हमारे घर के पीछे यहाँ पर खेत हैं और एकदम पीसफुल है, तो चलो वहाँ पर घूमने चलते हैं।
गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आसपास पूरे खेत हैं, तो अभी हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और सनसेट भी देख लिया होगा आपने, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो अभी हम पूरा आगे तक घूम के आ गए हैं, वापस चल रहे हैं घर की ओर। तो चलो भाई, मैं तो चल चल के ठग गई, इतना तो मैं भी नहीं ठगा जितना तू भाग के नहीं आया ना, मैं भाग के पूरा। मैं आपसे गाइस, तो हम वापस घर आ गए हैं, पूरा एंड तक घूम के आए और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। देखो वहाँ एंड तक, जहाँ तक एंड हो रहा है ना रास्ता, वहाँ तक गए थे हम, और पूरा वापस वहाँ से पूरे वापस आए और मज़ा आया। तो गाइज, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।